अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार डिज़र्ट लेकर आई हूँ, तो चलिए एक साथ मिलकर बनाते हैं बहुत ही मज़ेदार सा स्ट्रॉबेरी बनाना ट्राइफल। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। तो सबसे पहले हम एक बोल लेंगे और इस बोल में ऐड करेंगे कस्टर्ड। आई एम यूजिंग रफान बनाना कस्टर्ड। ऐड करेंगे 4 टेबल स्पून ऑफ बनाना कस्टर्ड। उसके अंदर अब ऐड करेंगे अबाउट 1 कप ऑफ मिल्क। अब इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे एंड मेक श्योर कि उसमें कोई भी लम्स ना हो। उसके बाद एक सॉस पैन में अबाउट 4 कप्स ऑफ मिल्क को बॉईल करेंगे और उसके अंदर ऐड करेंगे 8 टेबलस्पून्स ऑफ शुगर। अब इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स करके बॉईल करने के लिए लेकर आएं एंड वंस योर मिल्क स्टार्ट्स बॉइलिंग उसके अंदर ऐड करेंगे हमारा बनाना कस्टर्ड मिक्सचर। उसको आराम से ऐड करें एंड ऐड करते हुए साथ साथ मिक्स भी करते जाएं। सो इसको कुक करेंगे लो फ्लेम पर जब तक इसकी कंसिस्टेंसी थिकन एंड स्मूथ नहीं हो जाती। सो यू कैन सी समथिंग लाइक दैट। अब इसको एक बोल के अंदर पोर करके रूम टेम्परेचर पर लेकर आएंगे। यू कैन रेफ्रिजरेट इट फॉर अबाउट एन आवर एंड और 2। तो अब चलते हैं हमारे ट्राइफल को असेंबल करने की तरफ। तो ट्राइफल असेंबल करने के लिए आप अपनी पसंद की कोई भी डिश ले सकते हैं। उसके अंदर आप डालेंगे पाउंड केक। आई एम यूजिंग माय होममेड पाउंड केक जिसकी रेसिपी बहुत जल्द होगी हमारे चैनल पर। पाउंड केक डालने के बाद उसके ऊपर नेक्स्ट लेयर हम लगा रहे हैं हमारे बनाना कस्टर्ड की। उसको इवनली स्प्रेड करें। बनाना कस्टर्ड के बाद मैं ले रही हूँ सम बनाना लाइक सम फ्रेश स्लाइस बनानास। ये आपके लिए ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो अपनी मर्जी का कोई भी फ्रूट डाल सकते हैं। सो बनाना लेयर के बाद हम डाल रहे हैं सम जेलो। आई एम यूजिंग स्ट्रॉबेरी जेलो। अगर आप किसी और फ्लेवर की यूज़ करना चाहते हैं सो यू कैन। तो आप आराम से उसके ऊपर जेलो रखें, जितनी दिल चाहे रखें, इट्स अप टू यू। तो जेलो के बाद आई एम यूजिंग सम व्हिप क्रीम। ये भी ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। सो आप अपनी मर्जी से जितनी चाहे व्हिप क्रीम इसके ऊपर डालें। एंड व्हिप क्रीम डालने के बाद नेक्स्ट लेयर हम रिपीट करेंगे हमारे पाउंड केक की। एंड पाउंड केक के ऊपर आई एम अगेन एडिंग अनदर लेयर ऑफ माय बनाना कस्टर्ड। अब इसको हम डेकोरेट करेंगे, आप अपनी मर्जी से जैसे चाहे डेकोरेट कर सकते हैं। आई डेकोरेटेड विथ सम जेलो। Some whipped cream, because why not? And some more jello. And some banana slices. So you can see our trifle looks absolutely amazing. The taste was wonderful. आप अपनी मर्जी से जैसे चाहे इसकी लेयरिंग करें। आप अपनी मर्जी का कोई भी कस्टर्ड यूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। एंड अगर आप चाहें तो इसको सिंगल सर्विंग बोल में भी बना सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। और उसके ऊपर आप वेफर्स या फिर
एक्स्ट्रा बनाना के साथ उसको डेकोरेट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसे लगी। अल्लाह हाफिज़।